आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, हमारी सराय में तो बड़े बड़े व्यापारी आकर ठहरते हैं। क्या कहते हैं? हम भी कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं हैं। तेरी दुम में आग लगे है? मेरी दुम में आग? क्या कहते हैं? घबराओ नहीं, ये तो इनकी आदत है ऐसा कहने की। अच्छा बताओ, कितना काटूं? क्या काटोगे? क्या कहते हैं? तेरी दुम में आग लगे, घबरा मत। ये कपड़े के व्यापारी हैं, इसीलिए हर किसी से पूछते हैं कितना काटूं। बड़ी अजीब आदत है, क्या कहते हैं? आप चलकर आराम कीजिए, मैं जरा नगर का चक्कर लगा कर आता हूँ। ठीक है, है? बड़े व्यापारी लगते हैं, तुरंत इनके बारे में सूचना देनी चाहिए, क्या कहते हैं? भरोसा है कि उनके पास बहुत सारा धन होगा? जी पूरा भरोसा है, क्या कहते हैं? जिस तरह दूसरे व्यापारियों का लूटा हुआ धन और सामान यहाँ इकट्ठा हुआ है, वैसे ही उनका धन भी यहाँ आ जाएगा। जाओ 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 जाओ, तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। सुनो, नगर कोतवाल को संदेशा भेजो कि आकर हमसे तुरंत मिले। वाह, मैं तो दिनों दिन और अधिक धनवान बनता जा रहा हूँ। देखो तुम बेईमानी मत करो, मैंने कल तुम्हें 10 गज कपड़े के पैसे दिए थे, घर जाकर कपड़ा नापा तो केवल 2 गज कपड़ा ही निकला। लो सुन लो इनकी बात, मुझे बेईमान कह रहा है। देखो अब तुम बहस कर रहे हो, तुम तो बेईमान हो एक नंबर के, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखो मेरे सर पर भी लिखा है मैं ईमानदार हूँ। कमाल है, कोतवाल ने पूरी तलाशी ले ली, एक स्वर्ण मुद्रा तक नहीं मिली उसके पास। अब चुरकट मल का गुस्सा मुझ पर उतरेगा, क्या कहते हैं? तेरी दुम में आग लगे, कहाँ है मेरे मालिक? अरे काहे के मालिक, वो तो ठग है ठग। अगर कोतवाल पकड़ के ले गया उसे कोतवाली में, क्या कहते हैं? मेरे मालिक के बारे में ऐसी बात तो ले, अब तो सच में तेरी दुम में आग लगे। अरे दुम होगी तो आग लगेगी ना, क्या कहते हैं? ये ले, तुम तो आ गई, अब आग लगने ही वाली है।
अब ये मुंजा को कैसे खबर करूं कि मैं यहाँ फंसा पड़ा हूँ। ये क्या महाराज, यहाँ कैसे फंस गए? अभी यहाँ से चलो जल्दी। ठीक है जैसी आपकी आज्ञा।